अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्हाट्सएप अनकट शो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, साबिका वजीर, साबिका अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत ही गहरा इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में MIM पार्टी को दूसरे रियासतों में जाकर इलेक्शन लड़ने के लिए BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कम से कम 50-100 करोड़ रुपए नकद रकम मिलती है। जी हाँ नाज़रीन, आज हल्के कारवान में चंद नौजवान गोलकुंडा मोहम्मदी लाइन कारवान टप्पा चबूतरा इलाके से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कॉन्टेस्टेड कांग्रेस MLA कारवान उस्मान अल हाजरी के मकान पर मुनक़िद एक तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, समद अशवाक खान, ईसा मिस्री, मोहम्मद गौस और दूसरे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने इस तकरीब में शिरकत की, जहां पर नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत दी। इस तकरीब से ख़िताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुस्लिमीन पर काफ़ी गहरे इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान हैदराबाद का जहां का वहीं है और ये जमात ज़मीन से उठकर आसमान को छू ली है। कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी को धुतकार कर आज कम्युनल पार्टीज का साथ दे रही है। बहरहाल मोहम्मद अली शब्बीर के ये घिनौने और गहरे इल्ज़ामात अब कहाँ तक सही है ये उन्हें मालूम, MIM को मालूम और वोट डालने वाली आवाम को मालूम। अब आवाम को तस्फिया करना है। कई सबूत है हमारे पास, कभी फिर बैठे जब मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र से 100 करोड़ वो प्रकाश अम्बेडकर जी को आए तो 100 करोड़ असल पवार को आ गए। यानी वहां की हुकूमतें यानी BJP इनको पैसा दे रही, उनको पैसा दे रही, बोले जाओ कांग्रेस के वोटे कटाओ, सेकुलर पार्टी के वोटे कटाओ। तो अब हम चाहिए कि छोटी पार्टी कुछ नहीं मदद कर सकते। आप लोग देखिए NRC में क्या हुआ, आपने देखा कि ट्रिपल तलाक में क्या हुआ, रोकी छोटी पार्टी, बिल फाड़े हम भी बिल फाड़े, 30 दिन सस्पेंड करें, यही केस है हमारे को 30 दिन असेंबली के बाहर भेज दिया।